सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि लास्ट 5 मिनट में या फिर क्या कहते हैं लास्ट मोमेंट का वीडियो बनाऊं मैं, कि मतलब चिकन डिनर कैसे देते हैं लास्ट सर्कल में। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और कमाल का वीडियो, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कल हो चुका है काफ़ी छोटा और यहाँ सामने से कोई फायरिंग कर रहा है, मेरे टीम मेट को मार दिया तो मुझे ये दिख गया है। पेड़ के पास से मैंने अपने टीम मेट से पूछा तो उसने बताया, तो मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ और किसी तरह मैंने उसको मार दिया है। मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा वो चुकी है कम। अब मैं अपने टीममेट को रिवाइव करूंगा, लेकिन रिवाइव करने के पहले इसको मार दूंगा जिससे कि इसका दोस्त ना आ जाए यहाँ पर और वो मुझे ना मार दे। और यहाँ पे मैंने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ पे स्मोक कर दे जिससे कि स्मोक के पास जाके मैं इसको रिवाइव कर दूँ। ऐसे खुले में जब सोता सर्कल हो तो तब कभी भी खुले में आप कभी रिवाइव ना करें, ये आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है हारने के लिए। मतलब काफ़ी सावधानी से फैसले लेने पड़ते हैं हर एक, अगर नहीं लेंगे तो आप मर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया रिवाइव, थोड़ा सा बचा है और ये हो गया रिवाइव। तो मैं यहाँ पे अपनी हेल्थ जल्दी जल्दी भर लेता हूँ और इसको भी दे देता हूँ, मेरी तो पहले से भरी है, इसको मैंने दे दी अपने दोस्त को। चलिए अब आप देख सकते हैं एक और सर्कल आ गया, ये भी हमारे ही अंदर बना, ये अच्छी बात है। और इस वक्त बात करें तो 10 लोग बचे हैं, ठीक है। अभी क्या कहते हैं सिर्फ 5-6 मिनट का ये वीडियो, तो इसमें सारे 10 लोग मर जाएंगे। देखिए 9 लोग बचे 8 लोग बचे। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक का यूज़ करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीच में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कवर लेने की, ठीक है। लेकिन साथ में मैं अभी फायर नहीं करूँगा, ज़्यादा लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगा, उनके पास जाके मारने की नहीं। मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी काम करती है, जब नहीं हर बार काम करें लेकिन 90% टाइम वर्क कर सकती है स्ट्रेटेजी। तो मैं करता ये हूँ कि मैं, जैसे आप सामने देख सकते हैं 8 लोग बचे, तो मैं इंतज़ार करूँगा कि ये खुद एक दूसरे को मार दें। अभी तो मैं मार रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं ज़्यादा पास इसलिए नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी आदत है मैं सीधे ज़्यादा पास जाके सबको मार देता हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि क्या कहते हैं मैं इंतज़ार करता हूँ लास्ट में, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ये टीम मेट नहीं हुए तो ये खुद एक दूसरे को मार देंगे, फिर लास्ट में 2-3 प्लेयर बस बचेंगे अगर स्क्वाड हुआ तो, अगर स्क्वाड नहीं हुआ तो सिर्फ एक ही प्लेयर बचेगा, तो इससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ मेरे दोनों टीम मेट घायल हो गए हैं फिर से, तो मैंने फेंका है वो क्या बोलते हैं इसको स्मोक, और फिर मैं गया इसकी मदद के लिए। एक टीम मेट मर चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा तो होता ही रहता है गेम में। तो वो उसको रिवाइव कर रहा है, अरे लगता है वो भी मर गया, उसको भी मार दिया किसी ने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 लोग बचे हैं, 5 लोगों की बात करें तो यहाँ पे इस वक्त बचे हैं 3 लोग, हम 2 लोग हैं। तो यहाँ पे मैं कवर लिया हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं 3 पे, तो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सर्कल और छोटा होने का, और अगर वो टीम मेट नहीं हुए तो क्या कहते हैं वो खुद एक दूसरे को मार देंगे, तो जिससे कि लास्ट में एक प्लेयर बचेगा, फिर उसको मारना और आसान हो जाएगा। ये देखिए एक मुझे दिखा स्कोप से, तो मैं इसको मारूँगा, लेकिन पहले ये बैठ गया, हाँ यहाँ पे बैठ चुका है, तो अब मैं इसको मार रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है लेट गया इसलिए मेरा निशाना नहीं लग रहा है, तो अब मैं इसको रहने दूंगा, इंतज़ार करूँगा मैं बस। फायदा हमें ये मिला है कि सर्कल हमारे अंदर है, तो यहाँ पे मैं स्मोक करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ स्मोक करूँ कि ना करूँ। तो यहाँ पे मैं लेट गया हूँ, सबसे बड़ी बात बता दूँ, जब सर्कल ज़्यादा छोटा हो जाए तो लेट जाइए, कभी भी खड़े मत होइए, और लेटे भी तो घास में, खाली जगह नहीं। तो यहाँ पे इंतज़ार करिए तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा आगे आगे कूद कूद के जाने की कोशिश करेंगे तो मर सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया वहाँ पे कोई एनिमी है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं स्कोप कर रहा हूँ, लगता है किसी ने बॉम्ब फेंका है, मुझे पता नहीं किसने फेंका, मेरे टीममेट ने या एनिमी ने। तो यहाँ मैं फिर से लेट गया हूँ जिससे कि मुझे देख ना पाए। तो यहाँ पे देखने से लगता है कि वो स्क्वाड नहीं है, वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, अब मैप में देखने से ऐसा लग रहा है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा और इंतज़ार करूँगा, बस यही एक स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आप ज़्यादातर जीत सकते हैं लास्ट में, क्योंकि आप ज़्यादा आगे जाके मारने की कोशिश करेंगे तो मर सकते हैं, मैं ट्राई कर चुका हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। तो
अभी भी ये क्या कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई मरा नहीं। यहाँ पे एक नॉकआउट हो गया और ये मर गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ दो लोग बचे हैं। अब अगर वो भी स्क्वाड नहीं हुआ तो उनमें से भी एक लोग बचेगा तो और आसान हो जाएगा मानना। लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में कोई स्नाइपिंग कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और इंतजार करने वाला हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो भी स्क्वाड नहीं था तो सिर्फ एक लोग बचा है, जिसका हमें फ़ायदा मिल गया कि अब उसको मारना आसान हो गया। ये सामने दिख गया मुझे और मैंने इसको मार दिया और ये हो गया चिकन डिनर। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लास्ट मोमेंट्स के वीडियो देखना चाहते हैं और पबजी गेम के और टेक से रिलेटेड, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।